morning, students. Sledgenella से रिलेटेड असाइनमेंट पे हम बात कर रहे थे. दो असाइनमेंट हम कर चुके हैं. वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनके बारे में बात की जाती है, जो उनको पता होना चाहिए, उसके बारे में हमने बात करी थी. तो मैंने आपको बताया था कि हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन से, कॉमन पॉपुलर नेम से करते हैं, साइक्लोन्स जो कहते हैं वहां से शुरू करके फिर क्लासिफिकेशन, फिर राइजोफोर के बारे में हमने बात करी, स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या स्पेशलिटी है उसके बारे में बात करी. तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले जो मतलब दो असाइनमेंट थे, लेक्चर्स थे, उसमें हमने डिस्कस किया. आज का जो असाइनमेंट है उसमें जो दो तीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम बात करें. स्लेजिनेला में राइजोफोर हो गया. राइजोफोर में मैंने आपको बताया था कि राइजोफोर की मॉर्फोलॉजी के बारे में तीन तरह के व्यू हैं, स्टेम है, रूट है और ऑर्गन सुई जनरिस है, उसके बारे में हम बात करें. एक और इम्पोर्टेंट चीज जो याद रखनी है कि भाई तो स्लेजिनेला जो है हमारा क्या है, हेटरोस्पोरस फर्म है. जो फर्म है वो हेटरोस्पोरस है, मीन्स यहाँ पर एक से अधिक प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. और ऐसे दो टेरिडोफाइट्स हैं जो आपके कोर्स में है. एग्जाम में पूछा जाता है कोई दो टेरिडोफाइट्स जो आपके कोर्स में है या जो हेटरोस्पोरस होते हैं उनके बारे में, उनका नाम लिखिए, उनके बारे में बताइए. तो एक तो हमारा स्लेजिनेला है, एक दूसरा मेंबर है जो वो पढ़ेंगे आगे जाके, जिसे कहा जाता है मार्सीलिया. तो मार्सीलिया एंड स्लेजिनेला ये दो हैं. तो ये तो हेटरोस्पोरस. हेटरोस्पोरस के साथ में भी एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखने की है कि यहाँ पर जो कोन होता है उस कोन के अंदर जो कोन होगा वो कैसा होगा, आपका डायमॉर्फिक होगा. मीन्स दोनों जो आपके माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर है वो दोनों एक ही कोन के अंदर बन रहे हैं. मीन्स माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम जो जिनके अंदर माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है वो एक ही कोन के अंदर मिलती है. लेकिन जो अरेंजमेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम का और मेगास्पोरेंजियम का वो फिर पेक्यूलियर है. पेक्यूलियर इन द सेंस क्या होता है, देखिए ये कोन है, मैंने आपको बताया था ये कोन होगा. This is the sporangium, now this is ligule, and this is sporophyll. Sporangium, ligule, sporophyll. Sporangium, ligule, sporophyll. ये arrangement है. ये बीजाणुधानी है. यहाँ पर ligule होता है और यहाँ पर क्या होता है हमारा sporophyll. जिस अगर ये microsporangium है तो microsporophyll, megasporangium है तो megasporophyll. लेकिन Sledgenella के अंदर क्या होगा, आपको जो बीजाणुधानियाँ हैं इनका arrangement थोड़ा different दिखाई देगा. डिफरेंट क्या दिखता है कि जो स्लेजिनेला रूपेस्ट्रेस है उसमें आप क्या देखेंगे कि ऊपर की तरफ सारे माइक्रोस्पोरेंजियम है, लघु बीजाणुधानियां है, और नीचे की तरफ सारी आपको गुरु बीजाणुधानियां दिखाई देंगी. तो ऊपर की दो तीन रो जो होगी वो सारी के सारी माइक्रोस्पोरेंजियम की होगी, माइक्रोस्पोर उसके अंदर बनेंगे, और नीचे की तरफ दोनों तरफ यहां पर और यहां पर दोनों तरफ आप देखेंगे कि आपको गुरु बीजाणुधानियां दिखाई देंगी. लेकिन स्लेजिनेला क्रूसियाना एक स्पीशीज है स्लेजिनेला की, उसमें आप क्या देखेंगे कि सारे कोन के अंदर आपको माइक्रोस्पोरेंजियम ही दिखाई देंगे, बेस के ऊपर एक सिंगल मेगास्पोरेंजियम दिखाई देता है. मीन जो गुरु बीजाणुधानी है उसकी संख्या एक हो जाती है, एक ही रहती है, बेस के ऊपर एक लघु गुरु बीजाणुधानी होगी, बाकी सारी की सारी क्या होगी आपकी लघु बीजाणुधानियां होंगी जिनके अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा. तो अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम इसके बारे में बात करते हैं. एग्जाम में पूछा जाता है कि स्लेजिनेला की कौन सी स्पीशीज में जो अरेंजमेंट है स्पोरेंजियम का वो किस तरह का है, मीन ऐसे कौन सी स्पीशीज है जिसमें ऊपर सारी माइक्रोस्पोरेंजियम मिलती है नीचे सारी मेगास्पोरेंजियम मिलती है, वो हो गया हमारा स्लेजिनेला रूपेस्ट्रेस. स्लेजिनेला क्रूसियाना वो वाली स्पीशीज है जिसके अंदर सारी माइक्रोस्पोरेंजियम है एक्सेप्ट वन मेगास्पोरेंजियम जो कि बेस के ऊपर हमको लगा हुआ दिखाई दे. एक और स्लेजिनेला है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, स्लेजिनेला इन इक्विपोलिया. इन इसमें आप क्या देखेंगे कि जो अरेंजमेंट होगा माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम का वो कैसा होगा, एक तरफ सारे माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देंगे और एक तरफ सारी मेगास्पोरेंजियम दिखाई देंगे.
तो जो अरेंजमेंट है बड़ा यूनिक है, यूनिक है कि इस तरफ सारी जितने भी बीजाणु धानियां होंगी वो सारी की सारी लघु बीजाणु धानियां होंगी, और एक तरफ सारी की सारी कैसी होंगी, गुरु बीजाणु धानियां होंगी। तो बिल्कुल क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि अगर एक तरफ आप देखेंगे तो आपको सारे के सारे माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देंगे, दूसरी तरफ सारे के सारे मेगास्पोरेंजियम दिखाई देंगे। अब ये जो इनइक्विलिफोलिया है इसको भी आपको याद रखना है, रुपेस्ट्रिस प्रोसियाना इनइक्विलिफोलिया। लेकिन स्लेजेनेला की कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जिनके अंदर एक कोन के अंदर एक ही तरह का स्पोरेंजियम मिलता है, मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन। मैंने वहां तो बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन थी लेकिन दोनों एक ही कोन के अंदर प्रेजेंट था, यहां पर कुछ स्पीशीज के अंदर ऐसा भी है। स्लेजेनेला ग्रेसिलिस, ग्रेसिलिस एक ऐसे स्पीशीज है जिसमें आप देखेंगे कि जो कोन होगा वो भी डिफरेंट बनेगा, मीन्स एक कोन के अंदर सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे और दूसरे कोन के अंदर सिर्फ मेगास्पोरेंजियम बनेंगे, मीन्स मेल और फीमेल कोन आप उसको कह सकते हैं कि कोन का भी फिर वहां पे सेक्सुअल डिफरेंशिएशन हो गया। एक वो कोन होगा जिसके अंदर सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे जो माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे जो आगे मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, और दूसरे में सिर्फ मेगास्पोरेंजियम बनेंगे, गुरु बीजाणु धानियां बनेंगी जिन पे गुरु बीजाणु लगे। तो मोनोस्पोरेंजियम टाइप का कोन बनता है किसमें, स्लेजेनेला ग्रेसिलिस। तो एक ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी स्पीशीज है स्लेजेनेला की जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम दोनों अलग अलग कोन के अंदर बनते हैं, मीन्स दो अलग कोन बनेंगे, एक में सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजियम होगी एक में सिर्फ मेगास्पोरेंजियम होगी, तो उसका क्या आंसर होता है, स्लेजेनेला ग्रेसिलिस। तो इसको भी थोड़ा सा आप याद रखिए, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हेटरोस्पोरी के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज जो स्लेजेनेला में है जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले, मैंने आपको बताया था, और वो है हेटरोस्पोरी एंड सीड हैबिट। बीज बनने की प्रवृत्ति स्लेजेनेला के अंदर पाई जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, राइट ए नोट ऑन हेटरोस्पोरी एंड सीड हैबिट इन स्लेजेनेला। स्लेजेनेला के अंदर विषम बीजाणुता और बीज स्वभाव पर एक लेख लिखिए। विषम बीजाणुता हम बता देंगे, हेटरोस्पोरी है, दो तरह के स्पोर्स बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर बन रहा है और हमारा मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। सीड हैबिट देखिए, मैंने आपको बताया था टेरिटोफाइट्स में सीड्स नहीं बनते, बीज का निर्माण नहीं होता, क्योंकि बीज के निर्माण के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली चीज जो सीड हैबिट बनने के लिए होती है वो तो होती है हेटरोस्पोरी। हेटरोस्पोरस होना चाहिए, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग बनेंगे, जब जाके दो तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा तब जाके सीड का फॉर्मेशन होगा, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होगा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एम्ब्रियो है उसके अंदर रेस्टिंग फेज होना चाहिए, मीन्स एम्ब्रियो बना और ऐसा नहीं कि बनते ही डेवलपमेंट होके जायगोट जो बना, जायगोट के तुरंत बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो जनरेट करके नया प्लांट बना, ऐसा नहीं। वहां पर क्या होगा, एम्ब्रियो रेस्टिंग फेज में चला जाएगा और बाद में जब वो उसको जनरेट होगा, कंडीशंस मिलेगी तब वो जनरेट करेगा। उससे तीसरा इंपॉर्टेंट चीज सीड कोट, सीड कोट का फॉर्मेशन होना चाहिए, सीड कोट बनेगा तब जाके सीड का फॉर्मेशन होगा, ताकि जो हमारा एम्ब्रियो है रेस्टिंग फेज में जो एम्ब्रियो है वो प्रोटेक्टेड रहे, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। स्लेजेनेला के अंदर हेटरोस्पोरस कंडीशन को मिलती है, पहली चीज तो ये हेटरोस्पोरस कंडीशन आपको दिखाई देगी। क्या देखेंगे आप, इसे मैंने आपको बताया था कि जब हम बात कर रहे थे इसके बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है और नए प्लांट का फॉर्मेशन भी तभी हो जाता है जब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही मेगा स्पोर है, मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट वहीं है, तभी उसके अंदर आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन भी हो गया और आगे जर्मिनेट करके नए प्लांट में निकल गया। तो एक प्लांट के ऊपर दूसरी जनरेशन नया स्पोरोफाइट भी आपको लगा हुआ दिखाई दे जाएगा। लेकिन रेस्टिंग फेज में ही, मीन्स इमीडिएटली जैसे ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, यह जनरेट आगे ग्रो करेगा और ग्रो करके नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा। सीड कोट भी नहीं बन पाते हैं क्योंकि आउटर जो लेयर है वो नहीं है जिससे कि सीड कोट का फॉर्मेशन हो सके। तो सीड कोट नहीं बनता, रेस्टिंग फेज नहीं आता, इसलिए सीड तो नहीं बनता लेकिन सीड बनने की तरफ
एक प्रयास होता है, एक कोशिश होती है स्लेजेनेला के अंदर, इसलिए इसको मैं कहा जाता है स्लेजेनेला के अंदर सीड हैबिट पाया जाता है, सीड फॉर्मेशन नहीं सीड बनने की प्रवृत्ति मिलती है। तो हेटरोस्पोरी और सीड हैबिट क्या होता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बारे में भी आपको याद रखना है, एग्जाम में लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर बात होती है प्लांट हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, आगे जनरेट करके नया प्लांट बना लिया, फिर बात होती है लाइफ साइकिल की। मैंने आपको बताया था पिछली बार, मैंने पूरा एक लेक्चर उसी पे किया था कि लाइफ साइकिल जो है फ्लैजेनेला में किस तरह की है, वैसी है जैसे टेट्राफाइट्स होती है, हीटरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, दो अलग अलग तरह की जनरेशन बनती है। तो लाइफ साइकिल पे जनरली पूरा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि लाइफ साइकिल है फ्लैजेनेला का, उसका आरेखीय चित्र बनाइए, आउटलाइन डायग्राम बनाइए, सारी स्टेप्स को बता दें। याद रखने की चीज ये कि तो हेटरोस्पोरी होगी, स्पोन जो होगा वहीं पे मैंने आपको बताया था मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम, उससे पहले मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल का बात करेंगे हम, फिर मेगास्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम के मेगास्पोर माइक्रोस्पोरोफिल, और फिर वापस आगे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो लाइफ साइकिल के अंदर आपको दो एक तो याद ये रखना है कि हेटरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको याद रखने होते हैं लाइफ साइकिल के अंदर, कि लाइफ साइकिल में वो दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं जिनके द्वारा ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। देखिए, एक तो होता है मियोसिस, दूसरा है हमारा फर्टिलाइजेशन। मियोसिस एक सेल में जब डिवीजन होगा चार डॉटर सेल्स बनेगी, और जो डॉटर सेल्स बनेगी उनके अंदर जो नंबर होगा आपका जो प्लॉयडी लेवल होगा वो हैप्लॉयड होगा, जितना आपके मदर सेल में है उसका आधा रह जाता है। स्पोर मदर सेल, मैंने आपको बताया था स्पोर मदर सेल वो सेल होती है आखिरी सेल जो हमारी डिप्लॉयड फेज को रिप्रेजेंट करती है। स्पोर मदर सेल में जैसे ही मियोसिस होगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, तो स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है और इसके होने से स्पोर टेट्रा का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि चार बन से डॉक्टर सेल में आपको पता है चार स्पोर्स बनेंगे। तो स्पोर मदर सेल में मियोसिस होने से हैप्लॉयड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ये डिप्लॉयड है और इससे में जब मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे स्पोर्स बनेंगे जो कि कैसे हैं हमारे हैप्लॉयड। तो स्पोर मदर सेल इसलिए कहा जाता है इट्स द लास्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन की अंतिम कोशिका है, और स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन, क्योंकि जैसे ही स्पोर्स बनते हैं हैप्लॉयड फेज में गैमेटोफिटिक फेज लाइफ साइकिल में आ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके बारे में हमको याद रखना है और वो है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन, वो क्रिया जिसमें क्या होता है मेल और फीमेल गैमेट आपस में मीन्स एग और एंथ्रोसाइट्स आपस में मिलते हैं, दोनों के न्यूक्लिया आपस में फ्यूज करेंगे और जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन वो चीज है जिसमें मेल गैमेट्स और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल के आपस में क्या करते हैं जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और जायगोट के फॉर्मेशन के साथ ही हैप्लॉयड फेज का वो खत्म हो जाता है बिकॉज एन प्लस एन। तो गैमेट्स मेल एंड फीमेल गैमेट ये लास्ट सेल होते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन, क्योंकि गैमेटोफिटिक जनरेशन स्पोर शुरू हुई थी कहां खत्म हो जाती है एंथ्रोसाइट और एग के साथ, तो एंथ्रोसाइट और एग लास्ट सेल है, जैसे आप उसमें फ्यूज किया फर्टिलाइजेशन हुआ जायगोट बन गया। तो डिप्लॉयड फेज शुरू होता है जायगोट से, फर्स्ट सेल स्पोरोफिटिक जनरेशन की जायगोट, लास्ट सेल स्पोर मदर सेल। गैमेटोफिटिक फेज की फर्स्ट सेल स्पोर स्पोर होगा, स्पोर के फॉर्मेशन के साथ ही हमारा गैमेटोफिटिक फेज शुरू हो गया और खत्म कहां पर हो जाता है मेल और फीमेल। जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको याद रखने हैं जिनकी वजह से दोनों जनरेशन आपस में एक दूसरे को ऑल्टरनेट करती हैं, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा फिर गैमेटोफाइट से वापस स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन, और इसी को कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और चूंकि दो अलग तरह की दो मॉर्फोलॉजिकली दो डिफरेंट टाइप्स के जनरेशन का फॉर्मेशन होता है इसलिए हम इसको कहते हैं हेटरोमॉर्फिक टाइप ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये हमको याद रखना है, आउटलाइन डायग्राम वेबसाइट में बताया था मैंने आपको कैसे बनाना है ड्रॉ करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमको डिटेल में बात करनी है, बात करना
एग्जाम में लिखना होता है। तो लाइफ साइकिल जब आती है मैंने आपको बताया, ऊपर तो हम बताएंगे सारे कौन से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और नीचे बात करेंगे कौन से, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट, पूरा हो जाता है इसी के साथ स्लेजिनेला का। अगली बार जब हम बात करेंगे नया मेंबर शुरू करेंगे डेंटोफाइट्स का। आज के लिए थैंक यू।